हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों का एक सवाल होता है। और टॉपिक ये है कि क्या 2021 में हमें क्लासिक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बुलेट का जो फील होता है वो आप लोग सभी जानते हैं, एक अलग लेवल का होता है। फिर भी मैं आज एक छोटा सा रिव्यू देने जा रहा हूँ और एक राइड रिव्यू भी दूंगा इस पे, ताकि आप लोगों को पूरा फुल आइडिया हो जाए कि ये बाइक कैसी है और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए 2021 में। बिना किसी देरी के सीधे मिलते हैं हाईवे पे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक ब्रांड है, मतलब बुलेट काफ़ी अरसों से चला आ रहा है, बुलेट काफ़ी लोगों के दिलों में है। मतलब ये एक राज की तरह, राजा जैसे होता है ना कि एक राजा महाराजा का रथ होता है, वैसे एक राजा का सवारी की तरह इसको लोग ट्रीट करते हैं। मतलब काफ़ी फेमस है इसका इंजन, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस हिसाब से ये लोग इसको ख़रीदते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि मतलब ये जो है ना, फील लाइक अ गन, मतलब गन की तरह इसमें जो वाइब्रेशन होता है उसको वो लोग एटीट्यूड की तरह इसको यूज करते हैं। मतलब एक अलग उसका लेवल होता है, अलग एक क्रेज होता है, मतलब एक प्यार इससे बन जाता है उस टाइप का। दूसरा इसका बिल्ड क्वालिटी और इंजन, मतलब हमें तो सब बाइक से इसका इंजन और बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसा बुलेट देखा है जो 10-10 साल पुराना, 15-15 साल पुराना बुलेट लोग रखे हुए हैं अपने घर में। तो आप समझ ही सकते हो कि ये बुलेट का फील, ये बुलेट का जो क्रेज़ है वो कितना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से भी लोग इसको ख़रीदते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक रख सके ये वो। मतलब इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मेंटेनेंस कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं लगता है, तो इस वजह से लोग इसको ख़रीदते हैं। मैं इसका वो एक और प्लस पॉइंट ये बताता हूँ कि ये राइडर लोग क्यों खरीदते हैं। राइडर लोग इसको इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो अगर बाहर बाहर का ट्रिप मारते हैं तो इसका जो इंजन का जो सीसी है वो 350 सीसी है, मतलब एक बिग इंजन वाली बाइक है ये, और एक क्रूज बाइक है ये, क्रूजर बाइक है। मतलब आप इसको आराम से 50-60-70 ऐसे इसको क्रूज कर सकते हो। ये रेसिंग बाइक तो नहीं इसको बोल सकते, लेकिन इसको क्रूजर बाइक बोल सकते हैं, आराम से आप इसको क्रूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए भी लोग इसको ख़रीदते हैं। और मैं कुछ ऐसी ही, मतलब इसमें जो कमी है जिसके कारण लोग इसको नहीं ख़रीदते हैं, प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये मतलब आप इसको तेज़ नहीं लेके भाग सकते हो, इसको लोग इसलिए भी नहीं ख़रीदते कि इसमें मतलब वाइब्रेशन बहुत है, आप इसको तेज़ नहीं चला सकते हो। 100 तक ऐसा फील होता है जैसे आप पूरा मसाजर पर बैठे हो, आपका पूरा मतलब आप एक घंटा लगातार इसको राइड कर लोगे तो शरीर ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा कि आप नीचे भी खड़े रहोगे तो आपको लगेगा कि ऐसे वाइब्रेट सा शरीर हो रहा है। तो उस हिसाब से भी लोग इसको नहीं ख़रीदते हैं। और मुझे तो पर्सनली ये बाइक बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ आराम से हो जाता है, एक क्रूजर बाइक है, आराम से राइड हो। मतलब यही एक प्रॉब्लम है कि इसमें आप मेरा टॉपिक ही आज का ये था कि क्या हमको 2021 में बुलेट लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। मतलब जिन भी लोगों को एक क्लासिक बाइक चाहिए, एक रियल बुलेट चाहिए, तो वो ये ख़रीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बुलेट आज भी उतना ही अच्छा है जितना पहले था। और जिनको वाइब्रेशन नहीं चाहिए, मतलब जिनको वाइब्रेशन नहीं चाहिए, इनका मेट्योर नया वाला वर्जन आया है उसमें बिल्कुल ना के बराबर वाइब्रेशन है, मतलब उसमें वाइब्रेशन है ही नहीं, मतलब पूरा हटा दिया है, बुलेट लगता ही नहीं है कि हम बुलेट राइड कर रहे हैं। तो जिनको बुलेट भी चाहिए, अच्छी इंजन भी चाहिए और फील लाइक अ गन भी, मतलब एक बुलेट का एक्सपीरियंस भी लेना है, लेकिन उनको वाइब्रेशन नहीं चाहिए, तो वो ये बाइक जाके खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस बाइक को वो ख़रीद सकते हैं। एक अलग लेवल का है, मतलब एक फील ही होता है चीप बाइक का, मतलब पूरा प्रो प्रीमियम बाइक का फील होता है पूरा अच्छे से। तो उस हिसाब से भी लोग इस बाइक को प्रिफेयर करते हैं, ख़रीदते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो बुलेट का जो फील होता है वो किसी और बाइक से आपको नहीं मिल सकता है। तो जो भी लोग बुलेट लेना चाहते हैं तो वो बुलेट ही ले, दूसरे बाइक पर ध्यान मत ना दें। मतलब बुलेट आज भी उतना ही अच्छा है जितना पहले था। हाँ, आपको वाइब्रेशन अगर नहीं चाहिए तो आप दूसरा बाइक ले सकते हो।
फिलहाल ये ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।